हजारों खड़े हुए हैं। अच्छा, सबसे पहले जंगल में आपको शेर अकेला मिलता है ना, अकेला मिलता है। कांग्रेस पार्टी में आपको शेर एक साथ घूमते हुए मिलेंगे, और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसकी मैं आपको नेचर समझाना चाहता हूं। वो नफरत को नफरत से नहीं काटता है, वो नफरत को मोहब्बत से काटता है। उसके दिल में मोहब्बत है, भाईचारा है, इज्जत और रिस्पेक्ट है, और उसको आप कितना भी मारो, कितनी भी गाली दो, कितना भी धमकाओ, वो नफरत को मोहब्बत से जवाब देता है। हमने यात्रा की कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और जहां भी बीजेपी वालों ने नफरत का बाजार खोला वहां कांग्रेस पार्टी ने मोहब्बत की दुकान खोली पूरे देश में। ये हमारा तरीका है। हम मोहब्बत की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं, वो नफरत फैलाते हैं, देश को तोड़ने का काम करते हैं। भाई और बहनों, ये जो चुनाव है, लड़ाई इसकी हो रही है। ये देखिए, जो भी हिंदुस्तान के गरीब लोगों को मिला है, किसानों को, गरीब लोगों को, मजदूरों को, इस किताब ने दिया है। और ये आपका संविधान है, ये हिंदुस्तान के हर नागरिक का संविधान है, और ये आपकी रक्षा करता है। इस संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को, आपके संविधान को, बीजेपी और आरएसएस के लोग खत्म करने में लगे हुए हैं। लड़ाई इस बात की है। भाई और बहनों, अगर ये संविधान चला गया तो आपके पास, गरीबों के पास कुछ नहीं बचेगा। आपकी जमीन, आपका धन, आपका पानी, सारे के सारे गायब हो जाएंगे, चुने हुए 20-25 लोगों के हाथ में चले जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी हर चुनाव में, नेशनल लेवल के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में, विचारधारा की लड़ाई लड़ती है। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने वाली विचारधारा, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, संविधान की विचारधारा। यह लड़ाई है।